अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडार एजुकेशन में आज हम वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है ईआर मॉडल टू रिलेशनल मॉडल। ईआर स्टैंड फॉर एंटिटी रिलेशनशिप और रिलेशनल डेटा मॉडल इज़ अ डिफरेंट थिंग। अब ये कैसे कन्वर्ट होगा, एंटिटी रिलेशनशिप से आप मॉडल से आप रिलेशनल मॉडल पर कैसे जाएंगे। ईआर मॉडल व्हेन कंसेप्चुलाइज इन टू डायग्राम्स, जब आप उसको कंसेप्चुअली देखते हैं डायग्राम की सूरत के अंदर, गिव्स अ गुड ओवरव्यू ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप, आपको बहुत अच्छा रिलेशनशिप दिखाता है कि ये चीज़ कर रहा है। ये चीज़ ईजियर टू अंडरस्टैंड। ईआर डायग्राम्स कैन बी मैप्ड टू रिलेशनल स्कीमा, दैट इज इट पॉसिबल टू क्रिएट रिलेशनल स्कीमा यूजिंग ईआर डायग्राम। वी कैन नॉट इम्पोर्ट ऑल द ईआर कंस्ट्रेंट्स इन टू रिलेशनल मॉडल, बट एन अप्रॉक्सीमेट स्कीमा कैन बी जनरेटेड। तो ईआर डायग्राम आपको हेल्पफुल देती हैं कि आप तमाम एट्रीब्यूट्स को देख सकते हैं जो हमने लास्ट लेक्चर्स के भी अंदर बनाई थी, कि आपको कहा गया कि एक टेबल बनानी है तो उसके आपने ईआर डायग्राम बनानी, और आप लोगों ने अपने फाइनल प्रोजेक्ट में भी आपसे ये चीज़ मांगी जानी है कि आप ही अपनी ईआर डायग्राम्स बना के दें। और इसके लिए मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर भी बताया था ई ड्रॉ मैक्स का, उसमें आपने अपनी जो भी टेबल बनानी है उसको आपने बनाना। अब रिलेशनल कैसे होगा, एक टेबल दूसरी टेबल के साथ जुड़ेगी कैसे, कौन से एट्रीब्यूट उसमें डिफाइन होंगे, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि हम तमाम तर उसके ऊपर कंडीशन इम्पोज कर सकें, बट हम उसको दिखा सकते हैं। देर आर सेवरल प्रोसेसेस एंड एल्गोरिथम्स अवेलेबल एंड कन्वर्ट ईआर डायग्राम इनटू रिलेशनल स्कीमा, बहुत सारे आपके पास मौजूद हैं जिनके ज़रिए आपके पास एल्गोरिथम कहते हैं तरीक़ेकार को, एक ख़ास मेथडोलॉजी को जिसके ज़रिए आप एक से दूसरे में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। Some of them are automated and some of them are manual. कुछ automated होते हैं और कुछ manuals हैं। We must focus on the mapping diagram contents to relational basis. ER diagrams mainly comprises of entity and its attributes, relationship which is association among entities. और दूसरा तरीका कर आपका relationship के साथ है, mapping entity. An entity is a real world object with some attributes. उसका एक खास तरीका कर है कि आपके उसके एंटिटी के साथ आपने सम एट्रीब्यूट्स देने, जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, एज होगी, मार्क्स होंगे, क्लास होगी, सब्जेक्ट होगा, इस तरह के जो रिलेशनशिप आपने बनाने हैं वो दैट वाज नोन एज द मैपिंग एंटिटी। अब आते हैं मैपिंग प्रोसेस एल्गोरिदम। अब आपने उसको कैसे करना है कि मैपिंग प्रोसेस को, क्रिएट टेबल फॉर ईच एंटिटी, आपने एक स्टूडेंट बनाया, आपने एक कोर्स बनाया, आपने सबसे पहले डिफाइन कर लिया कि भाई मैं एक स्कूल का डाटाबेस बना रहा हूँ, तो स्कूल का डाटाबेस में क्या क्या आएगा, उसमें एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, जैसे स्टूडेंट एक एंटिटी है, टीचर एक एंटिटी है, कोर्स एक एंटिटी है, इसी तरीके से आपके बाकी चीज़ें जितनी भी एंटिटीज़ हैं आपने डिफाइन कर लें। लेट्स सपोज आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम बना रहे हैं, उसमें आपकी एंटिटीज़ कौन कौन सी हैं, प्रोडक्ट आपकी एंटिटी है, कस्टमर आपकी एंटिटी है, समझ रहे मेरी बात को, वो आपने एंटिटीज़ डिफाइन कर लेनी, हर एंटिटी के कुछ एट्रीब्यूट डिफाइन करने, शुड बिकम फील्ड ऑफ टेबल्स विद देयर रिस्पेक्टिव डेटा टाइप्स। जैसे आप एज के अंदर ए बी सी नहीं ले सकते, एज के अंदर आप एक डोमेन कंस्ट्रेंट, जो अभी हमने लास्ट लेक्चर पढ़ा कि तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, की कंस्ट्रेंट, डोमेन कंस्ट्रेंट, रेफरेंशियल इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट, उन तीनों को आपने इम्प्लाई करके, स्टूडेंट की बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, स्टूडेंट का ज़ाहिर कलर भी है, स्टूडेंट का रिलीजन भी है, स्टूडेंट की हाइट भी है, लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन एक स्टूडेंट की क्लास के हवाले से उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको वो चीज़ें इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। अब जैसे यहाँ पे हमने बनाया रोल नंबर, नेम एंड स्टूडेंट्स, ये हमारे वो हमने पीछे कैंडिडेट कीज पढ़ा था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, तो उसमें कहा था कि वो कंस्ट्रेंट क्या नाम था इसका, की कंस्ट्रेंट, जिसकी मदद से आप उसका फॉरेन की और प्राइमरी की के कंसेप्ट को आपस में दोनों को यूनाइट कर सकते। इस तरह से एक कोर्स का आपने बनाया, आपने कोर्स क्या था जी, कोर्स आईडी और उसका टाइटल, ये दोनों आपस में एक और ख़ास तरीके से जोड़ रहे हैं, इसको हमने इनरोलमेंट का मेथड कहा, डिक्लेयर प्राइमरी की हो गया, रिलेशन इज एन एसोसिएशन अमंग एंटिटी, और उसमें फिर आपका कोर्स के साथ आपने इनरोल कब हुए, उसकी ज्वाइनिंग डेट कौन सी थी, और आपने उस कोर्स में नंबर कितने हासिल किए, ये इंफॉर्मेशन आपके आएगी। इसको हम कहते हैं मैपिंग प्रोसेस। क्रिएट टेबल फॉर अ रिलेशनशिप, Add the primary key of all participant entities and fields of tables with their respective data types. If relationship has any attribute and each attribute as field or table, or
declare a primary key composing all the primary keys of participating entities, declare all foreign key constraints. आपने तमाम के तमाम foreign key constraints जो हैं वो उसको दूर कर देना. इस तरह से मैपिंग वीक एंटिटी सेट. अब कुछ एंटिटीज होती हैं जो बहुत वीक हैं, उनको हम कैसे सेट करेंगे. अ वीक एंटिटी इज वन विच डज नॉट हैव एनी प्राइमरी की एसोसिएटेड विद इट. आप गौर करें कि आपने प्रोडक्ट बनाई उसकी प्राइमरी की दे दी, आपने कस्टमर है उसकी प्राइमरी की दे दी. अब आप एक पॉइंट ऑफ सेल कर रहे हैं, क्या एक कस्टमर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीद सकता है. अगर आपने सेल टेबल एक बना रहे हैं और उसमें आपने एक प्राइमरी की लगा दी है कि एक ही बिल जनरेट होगा, तो बिल आईडी आपने बना दी उसमें तो प्राइमरी की हो गया. लेकिन अब क्वेश्चन ये कि मोर देन वन प्रोडक्ट कैसे आए, एक कॉलम में एक से ज़्यादा वैल्यू तो आ नहीं सकती. तो जाहिर है कि आप एक अलग से टेबल बनाएंगे जिसके अंदर आप प्राइमरी की नहीं रखेंगे. तो उसको आप क्या बनाएंगे, आप उसको बेसिकली एक वी की बनाएंगे. वो मैं आपके साथ इसको डिस्कशन करता हूँ अभी. मैपिंग प्रोसेस, क्रिएट टेबल फॉर वीक एंटिटी सेट, एड ऑल इट्स एट्रीब्यूट टू टेबल एज फील्ड्स, एड द प्राइमरी की ऑफ आइडेंटिफाइंग एंटिटी सेट और डिक्लेयर ऑल फॉरेन की कंस्ट्रेंट्स. मैपिंग हायरार्किकल एंटिटीज, ही आर स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन कम्स इन द फॉर्म ऑफ द हायरार्किकल एंटिटी सेट, द नेम एज जेंडर और फिर ये एक पर्सन बना और इज आर रिलेशनशिप आपने बनाया कि स्टूडेंट है वो रोल नंबर और टीचर है. यानी बजाय इसके कि हमने अलग अलग दोनों की टेबल्स बनाते, अब हमने इस रिलेशनशिप उसको कंफर्म किया. क्रिएट टेबल्स फॉर ऑल हायर एंड लेवल एंटिटीज, क्रिएट टेबल्स फॉर लो लेवल एंटिटीज, एड प्राइमरी की ऑफ हायर लेवल एंटिटीज इन द टेबल ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज. इन लोअर लेवल टेबल्स आई एड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज, डिक्लेयर प्राइमरी की ऑफ हायर लेवल टेबल एंड द प्राइमरी की फॉर द लोअर लेवल टेबल, डिक्लेयर फॉरन की कंस्ट्रक्ट. अब इसमें हुआ क्या, आपने एक टेबल बना दी हायर लेवल के ऊपर एंटिटीज़ की, क्रिएट टेबल फॉर लोअर लेवल एंटिटीज़, एक आपने हायर पे बनाई एक आपने लोअर पे बनाई. जैसे पर्सन इज़ अ हायर लेवल और स्टूडेंट और टीचर इज़ ऑन द लोअर लेवल. एड प्राइमरी की ऑफ हायर लेवल एंटिटीज़ इन द टेबल ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज़, आपने जो प्राइमरी कीज़ हैं ऑफ हायर लेवल एंटिटीज़ जैसे कि रोल नंबर और एक में एम्प्लॉई आईडी है, वो इनके अंदर आपने डाल देना है लोअर लेवल के अंदर, आपने हायर लेवल में नहीं डालने की आपको ज़रूरत. फिर क्या करें जी, एड प्राइमरी इन लोअर लेवल टेबल, एड ऑल अदर एट्रीब्यूट्स ऑफ लोअर लेवल एंटिटीज, आपने जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे लोअर लेवल के एंटिटीज डाल देनी. डिक्लेयर प्राइमरी की ऑफ हायर लेवल टेबल एंड द प्राइमरी की ऑफ द लोअर लेवल टेबल. अब आपने नीचे से प्राइमरी की और लोअर लेवल टेबल की दोनों की डाल देना. थैंक यू वेरी मच एंड